केजरीवाल ने पंजाब में फूंका चुनावी बिगुल, भाजपा खेमे में मची खलबली। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमवार को पंजाब में चुनावी कैंपेन लॉन्च किया गया। इस मौके पर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों का हम बेहद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पंजाब के लोगों ने 2 साल पहले हम जैसे मामूली लोगों को इतना भारी बहुमत देकर जिताया था और उस समय के सभी नामी गिनामी नेता जिनके पास 20-25 सालों का राजनीतिक अनुभव था, उन सबको हराकर पंजाब के लोगों ने एक इतिहास रचा था और 117 में से 92 सीटें हम लोगों को दे दी थी। केजरीवाल ने कहा कि हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, फिर भी हम उनका एहसान पूरा नहीं कर सकते। पंजाब के लोगों के एहसान को चुकाने के लिए हमारी सरकार बीते 2 साल से प्रदेश में रात दिन विकास के कामों में लगी है। केजरीवाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पंजाब के लोगों से, यहाँ के बच्चे बच्चे से पूछ लो, यहाँ तक कि दूसरी पार्टी वालों से भी पूछ लो, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि 75 सालों में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक टाइम ऐसा भी था कि यहाँ महंगाई ज्यादा थी, बिजली के बिल ज्यादा आते थे, किसान दुखी थे, व्यापारी और उद्योगपति छोड़ छोड़ के जा रहे थे, चारों तरफ नकारात्मकता थी, लेकिन आज चारों तरफ सकारात्मकता है। व्यापारी और उद्योगपति अब वापस आ रहे हैं, बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं, नौकरियां पक्की हो रही हैं, पंजाब के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। पहले 8 से 10 घंटे तक पावर कट लगते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, शानदार स्कूल बन रहे हैं, चारों तरफ खूब काम हो रहा है, अभी खूब काम करना बाकी है। पंजाब के लोगों को हम अपना माई बाप मानते हैं, जनता मालिक है, हम सेवक हैं, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, हम भगवान के भक्त हैं। हम पंजाब की जनता से और मांगने आए हैं, हमें आप लोगों के लिए, आप लोगों के परिवार के लिए पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत चाहिए। केंद्र सरकार और राज्यपाल हमारे मंत्रियों और नेताओं को रोज तंग कर रही है, जनता भी सब देख रही है। पंजाब के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक लिए हैं। केंद्र ने 26 जनवरी को पंजाब की झांकी को रोका। पंजाब में सरकार गिराने के लिए रोज नए हथकंडे अपनाते हैं। भगवंत मान सभी से अकेले लड़ रहा है। आने वाले समय में 20 एमपी हमारे लोकसभा के अंदर और 10 राज्यसभा के अंदर होंगे। 3 सांसद हमारे अगर हो गए तो हम लोग और ताकतवर बनेंगे। उन्होंने अंत में कहा कि हमने 2 साल में काम किया हो तभी वोट करना, वरना मत करना। हम काम के दम पर वोट मांगते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करके गाली गलौज करके वोट नहीं मांगते। हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, आप हमारे मालिक, हमें आपका वोट चाहिए। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कह रहे हैं कि हमारी 370 सीट आ रही है उन्हें आपका वोट नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपका वोट चाहिए। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।